स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो कि दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बाकी इमारतों की तरह प्राचीन नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में इसकी लोकप्रियता फैली है उसने इसे दिल्ली के अहम दर्शनीय स्थलों में शुमार कर दिया। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे अक्षरधाम मंदिर से जुड़े रोचक बातों को, जिसे सुनकर आप इस मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से इस अक्षरधाम मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अक्षरधाम मंदिर परिसर को पूरा बनने में 5 साल का समय लग गया था, जिसे श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के कुशल नेतृत्व में पूरा किया गया। इस मंदिर परिसर का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर 6 नवंबर 2005 को किया गया था। गौरतलब है कि मंदिर वास्तुशास्त्र और पंचरात शास्त्र की बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह मंदिर लगभग 83,342 वर्ग फुट की भूमि पर फैला हुआ है। इसमें 350 फुट लंबे, 315 फीट चौड़े और 141 फीट ऊंचे स्मारक है, जो कि बहुत ही आकर्षक है। यह संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि यह मंदिर कम से कम अभी और 1000 सालों तक रह सकता है। वैदिक समय से भारत में प्रचलित जल तीर्थों की महिमापूर्ण परंपरा का अनुसरण करते हुए अक्षरधाम मंदिर की तीनों ओर से नारायण सरोवर की रचना की गई है। पवित्र मानसरोवर से लेकर 151 तीर्थों और नदियों के पवित्र जल सिंचन से यह नारायण सरोवर परम पवित्र तीर्थ बना है। जल तीर्थों की चारों ओर से 108 गौमुख से बहती हुई पवित्र जलधाराएं भगवान के पावनकारी 108 नामों का प्रतीक है, और यहाँ राजस्थान से लाए हुए लाल पत्थरों से बनी 3000 फीट लंबी परिक्रमा है, जिसकी संरचना 2 मंजिला जितनी है। इसमें 1152 खम्बे और 145 खिड़कियाँ हैं। यह परिक्रमा मंदिर के चारों तरफ एक सुंदर माला की तरह फैली हुई है। अक्षरधाम मंदिर की सबसे खास बात तो यह है कि इस प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण में कहीं भी इस्पात या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अक्षरधाम मंदिर में भारत के ऋषियों, साधु, आचार्य और दिव्य अवतारों के 200 पत्थर की मूर्तियां शामिल है। इस मंदिर में 234 नक्काशीदार स्तंभ, 9 अलंकृत गुंबद, गजेंद्र पीठ और भारत के दिव्य महापुरुषों की 20,000 मूर्तियां शामिल है। अक्षरधाम मंदिर में एक अति सुंदर उद्यान भी है, जिसे लोटस गार्डन कहा जाता है, जिसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा। अक्षरधाम मंदिर में 10 गेट है। ये द्वार 10 दिशाओं का प्रतीक है, जो वैदिक शुभकामनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। समग्र ब्रह्मांड में जो भी मांगलिक है, दिव्य है, वो 10 दिशाओं से हमारी ओर प्रवाहित हो और हमारे हृदय से शुभ तत्वों का सर्वत्र मंगल विस्तार हो। भक्ति द्वार। परंपरागत भारतीय शैली का यह प्रवेश द्वार आपको ले चलेगा भक्ति भाव के एक अनोखे विश्व में। भक्ति अर्थात परमात्मा के प्रति विशुद्ध प्रेम। सनातन धर्म परंपरा में भक्त भगवान के दिव्य युगल भक्त के आदर्शों का शाश्वत बोध देते हैं। भक्ति एवं उपासना के ऐसे 208 युगल स्वरूप इस भक्ति द्वार में मंडित है। मयूर द्वार। भारत का राष्ट्र पक्षी मयूर सौंदर्य, संयम एवं सुचिता के प्रतीक के रूप में भारतीयों का सर्वकालीन प्रिय पक्षी रहा है। अक्षरधाम के इस स्वागत द्वार में परस्पर गुथे हुए भव्य मयूर तोरण एवं कला मंडित स्तंभों के 869 मयूर आनंद नृत्य कर रहे हैं आपके सत्कार में। मयूर द्वार भारतीय शिल्प कला की सुंदरतम कृति है। श्री हरि चरणाविंद। 2 मयूर द्वारों के मध्य में 16 मांगलिक चिन्हों से अंकित ये श्री हरि चरणाविंद इस धरा पर भगवान श्री स्वामी नारायण के दिव्य अवतरण की स्मृति में स्थापित किए गए हैं। श्वेत संगमरमर से शिल्पांकृत इस श्री हरि चरणाविंद पर 4 शंखों द्वारा जल धाराओं का अभिषेक भगवान श्री स्वामी नारायण के ऐतिहासिक जीवन एवं कार्य के प्रति भावांजलि अर्पण करता है, जो की वैदिक शुभकामनाओं को प्रतिबिंबित करता है। मंदिर के मध्य में भगवान श्री स्वामी नारायण की पंच धातु से निर्मित स्वर्ण मंडित 11 फुट ऊंची मूर्ति विराजमान है। कला मंडित सिंहासनों में विराजमान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रामचंद्र, सीता जी, श्री कृष्ण, राधा जी और श्री महादेव पार्वती जी की संगमरमर की मूर्तियां दर्शनीय है। परिसर के भीतर एक थिएटर है, जिसे नीलकंठ के रूप में जाना जाता है, जो स्वामी नारायण के जीवन से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। इस सुंदर मंदिर का शानदार संगीत में फवारा शो दर्शकों के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है, जिसे सर्कल ऑफ लाइफ कहा जाता है। प्रत्येक शाम यह 15 मिनट का शानदार प्रदर्शन होता है। यह शो जीवन के चक्र को दिखाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुंदर रंगीन फवारों के साथ सभी घटनाओं को चित्रित करता है। योगी हृदय कमल। मनोहारी ढलान पर छाई हरी हरी घास के मध्य में यह एक विशाल अष्टदल कमल है, पवित्र भावनाओं का,
विश्व के महापुरुषों और धर्मशास्त्रों ने भगवान और मानव में दर्शाया हुआ असीम विश्वास यह शिलालेखों में प्रस्तुत है। प्रेमवती आहार गृह अजंता की अद्भुत कला सृष्टि के आह्लादक वातावरण में विशाल प्रेमवती आहार गृह शुद्ध और ताजा भोजन एवं मधुर जलपान की सुविधा प्रदान करता है। अभिषेक मंडप शुभकामनाओं एवं प्रार्थनाओं के साथ दर्शक श्री नीलकंठ ब्रह्मचारी की मूर्ति पर गंगा जल से विधि पूर्वक अभिषेक कर धन्यता का अनुभव कर सकते हैं। सांस्कृतिक विहार एक नाव की सवारी है जो दर्शनार्थियों को प्राचीन इतिहास के मॉडल देखने के लिए कराई जाती है। मॉडल प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों बाजारों और सभ्यता को प्रदर्शित करता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता के महत्व को दर्शकों को दर्शाने के लिए यह एक उत्कृष्ट प्रयास है। अक्षरधाम मंदिर रात में काफी सुंदर लगता है। इसकी सजावट इतनी मनमोहक तरीके से की गई है कि यह एक अकल्पनीय दृश्य के समान है। अक्षरधाम मंदिर का टैगलाइन है कि यह वो स्थान है जहां कला चिर युवा है, संस्कृति असीमित है और मूल्य कलातीत है। दोस्तों, इस मंदिर तक कैसे पहुंचे और इस मंदिर में प्रवेश से जुड़े सारे नियमों को हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो उससे जुड़े अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।